सुनीता, वेलकम टू माय चैनल साई किचन। तो फ्रेंड्स, नवरात्रों में चीज़ें बहुत ही लिमिटेड हो जाती है, लेकिन लिमिटेड इंग्रेडिएंट से बहुत कुछ बन सकता है। एक बहुत ही सिंपल सी डिश जिसे आप स्नैक्स भी बोल सकते हैं, वो स्टार्टर भी बन सकता है और एक मील भी बन सकता है, वो है दही बड़ा, जिसे दही भल्ला भी बोलते हैं। वैसे तो उड़द दाल से बनता है, लेकिन आज हम बनाएंगे आलू साबूदाना और सामग के चावल से। तो रेसिपी मेरे पास है, तो चलिए बनाते हैं। मैंने 4 मीडियम साइज के आलू को छील के मेस के ले लिया है। इसमें मैं डालूंगी साबूदाना, आधा कप साबूदाना को धो के अच्छे से भिगो के रख दें। जितना साबूदाना लेना है उतना ही पानी हमें डालना है। तो हमारा साबूदाना बहुत ही अच्छा फूलता है, उसे 4-5 घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे। ऐसे हम मसल के देखेंगे, अगर जिस तरीके से आसानी से दब जा रहा है, इसका मतलब हमारा साबूदाना एकदम सही है। इसमें मैं डालूंगी सामग का चावल, उसे मैंने मसल के ले लिया है। 1 चम्मच सामग का चावल है, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो डालिए, नहीं तो स्किप कर लीजिए। इसे जो बड़ा है वो थोड़ा क्रिस्पी बनता है। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ अदरक, हरी मिर्च, आप तीखा जितना पसंद करते हैं उसी हिसाब से डालिए, धनिया पत्ता, काली मिर्च पाउडर और सेंधा नमक, स्वाद अनुसार आप लीजिए। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मिक्सचर रेडी है, हाथ में हम थोड़ा सा तेल ग्रीस कर लेंगे, कुकिंग ऑयल जो आप व्रत में खाते हो। थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और अंगूठे की सहायता से हम इसमें एक होल बनाएंगे, एकदम डोनट का शेप देंगे हम। इसी प्रकार हम सारे बड़ों को बना लेंगे। अब हम बड़ों को फ्राई करेंगे, गैस का फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। भल्ले बनाने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत होती है, एक तो बड़े, दूसरा मीठी दही, तीसरा मीठी चटनी और ग्रीन चटनी। उसे हमारे दही बड़े जो है बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट बन जाते हैं। इसे अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेंगे। हमारे बड़े फ्राई हो गए हैं, इसे हम अलटते पलटते हुए मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए कितने सुनहरे गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं, एकदम ऊपर से क्रिस्प और अंदर से सॉफ्ट, और साबूदाना के चलते इसका टेक्सचर कितना अच्छा आया हुआ है। हम अब बड़ों को अरेंज करेंगे, इसके डालेंगे हम मीठी दही। हमारे दही बड़े तो बहुत ही ज्यादा यम्मी बने हुए हैं, आप भी इसे जरूर ट्राई करें। और आपके दही बड़े कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम डालेंगे मीठी चटनी। मीठी चटनी और ग्रीन चटनी का लिंक आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, मैंने डाला हुआ है। अब डालेंगे ग्रीन चटनी, थोड़ा सा डालेंगे हम जीरा पाउडर। फ्रेंड्स, हमारा तो दही भल्ला बन के रेडी है, और आप भी इसे जरूर ट्राई करें। आपका कैसा बना दही बड़ा मुझे कमेंट करके बताएं, और मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।